अपने स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा और आज मैं जानकारी देने जा रहा हूँ एमिकासिन इंजेक्शंस के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, उसमें पूछा गया था कि सर एमिकासिन इंजेक्शंस के बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। तो आपको जानना है एमिकासिन इंजेक्शंस के बारे में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में एमिकासिन की पूरी जानकारी दी जाएगी। एमिकासिन कौन कौन सी बीमारियों में चलाई जाती है, कौन कौन से इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके डोजेस क्या होते हैं, मैक्सिमम डोजेस इसके क्या हो सकते हैं, एक व्यक्ति में एक दिन में इसके मैक्सिमम डोज कितना यूज़ किया जाता है, तो सभी जानकारी यहाँ पे आपको दे दी जाएगी। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को भी लाइक कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं एमिकासिन क्या है। एमिकासिन एक एंटीबायोटिक है जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स नामक दवाओं के समूह से संबंध रखता है। एंटीबायोटिक्स होने के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एमिकासिन मुख्य रूप से बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमणों को रोकता है। तो आप जानते हैं एमिकासिन का इस्तेमाल कौन कौन सी बीमारियों में की जाती है। हालांकि एमिकासिन का इस्तेमाल काफ़ी सारे बीमारियों में की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो बीमारियाँ ठीक होती हैं उनमें से है बोन इन्फेक्शन। बोन इन्फेक्शन का इस्तेमाल एमिकासिन काफ़ी बेहतर तरीके से ठीक कर पाता है बोन इन्फेक्शंस को। बोन इन्फेक्शन काफ़ी तरह के होते हैं, ऑस्टियोमलाइटिस भी एक बोन इन्फेक्शंस ही है। हालांकि ऑस्टियोमलाइटिस बैक्टीरियल के कारण भी होता है और फंगस के कारण भी होता है, लेकिन जो ऑस्टियोमलाइटिस बैक्टीरिया के कारण होते हैं उसमें एमिकासिन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। बोन इन्फेक्शन होने के कारण आपको स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, तो वहाँ उस सिचुएशन में एमिकासिन का इस्तेमाल किया जाता है। एब्डोमिनल इन्फेक्शंस में भी एमिकासिन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो स्टोमक होता है, स्टोमक एब्डोमिनल इन्फेक्शंस जो होते हैं वहीं पे एमिकासिन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी पेट में किसी भी तरह का संक्रमण हो गया हो जिसके कारण दस्त हो रहे हो या तो फिर डायरिया हो गया हो बैक्टीरिया के कारण, वहाँ पे भी एमिकासिन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। यूटीआई में भी एमिकासिन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में अगर किसी भी तरह का संक्रमण हो गया हो तो वहाँ पे भी एमिकासिन का इस्तेमाल देखा गया है। हालांकि मूत्र मार्ग में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे कल्चरल टेस्ट के बाद ही ये पता हो पाता है कि आपको कौन सी मेडिसिन चलाई जाएगी, तो वहाँ पे भी एमिकासिन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। मेनिनजाइटिस में भी एमिकासिन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। मेनिनजाइटिस के कारण आपके सर में दर्द होंगे, बुखार आएगी, वोमिटिंग का भी स्थिति मेनिनजाइटिस में होता है, तो वहाँ पे भी एमिकासिन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। ब्लड इन्फेक्शंस में भी एमिकासिन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। ब्लड में अगर किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है तो वहाँ पे आप एमिकासिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि निमोनिया में इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर नहीं देखा गया, लेकिन निमोनिया के केसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत बेहतर इसका इस्तेमाल, इसका रिज़ल्ट निमोनिया में नहीं देखा गया है। तो ये कुछ मुख्य इलनेस थे जहां पे एमिकासिन का इस्तेमाल किया जाता है और रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। तो अब जानते हैं एमिकासिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी इसके दुष्प्रभावों के बारे में। हालांकि सभी व्यक्तियों पे इसका साइड इफ़ेक्ट देखा नहीं गया है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी भी तरह का दुष्प्रभाव आप में दिखे तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हालांकि किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा ही एमिकासिन का इस्तेमाल करवाना चाहिए। अगर आप में इसका साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो वो मोस्टली उल्टी की समस्या हो सकती है, मतली की समस्या हो सकती है, त्वचा में लाल चकते भी निकलने शुरू हो जाएंगे अगर किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट आप में दिखेगा तो। सर में दर्द का अनुभव होगा, मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होगा। अगर किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो हल्का माइनर बहरापन भी, यानी सुनने में भी कमी महसूस होगी आपको। अगर आपको साइड इफ़ेक्ट होता है एमिकासिन से
तो महसूस होगा कि हमें सुनाई कम पड़ने लगा है। इस तरह का भी साइड इफेक्ट एमिकासिन के द्वारा देखा गया है। अगर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट दिखे तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप जानते हैं एमिकासिन के डोजेस के बारे में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर एमिकासिन के डोजेस क्या हो सकते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम डोजेस है वो 15 mg पर kg पर डे का है। हालांकि सभी बीमारियों में इसका जो डोजेस है वो अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। निमोनिया में इसके डोजेज अलग इस्तेमाल किए जाते हैं, बोन इन्फेक्शंस में अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सभी बीमारियों में इसका जो डोजेज है वो अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। इसके सीवियरिटी पर भी इसके डोजेस डिपेंड करते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसके डोजेस बढ़ाए जा सकते हैं। और अगर सीवियरिटी कम है, इनिशियल पीरियड में अगर एमिकासिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके डोजेस घट सकते हैं। लेकिन इसका जो मैक्सिमम डोजेस है वो 15 mg पर kg पर डे का है। एक दिन में आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं किया जा सकता है एमिकासिन का। तो इसके डोजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, आप इसके डोजेस हमेशा याद रखें, 15 mg पर kg पर डे। इसके जो प्रिकॉशन है वो ऑलमोस्ट एक ही हो सकते हैं। आप जब भी इसका इस्तेमाल करें, किसी भी प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा ही इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल करवाएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।